नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज। फतेहपुर जनपद के खागा नगर की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जिसमें राहगीरों को आने जाने में भारी समस्याओं जूझना पड़ता है और कभी कभी तो बगल से वाहन निकलते हैं और पहिया गड्ढा में जाता है। जो बगल में होता उसके पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं और विद्यालय के बच्चों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और आप लोगों को बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं दिखाई देना चाहिए। और जब खागा व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया कि खागा नगर की सड़कों का हाल दिन प्रतिदिन गड्ढे तालाब का रूप धारण कर रहे हैं और कई बार तो लोगों को एक्सीडेंट में भी हो चुके हैं। आइए सुने क्या कहा व्यापार मंडल खागा नगर अध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। घटनाएं हो चुकी हैं नहर पर, कई लोगों की डेथ हो चुकी है, तो क्या ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा? किसी दिन फिर कोई हादसा होगा? हाँ जी, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है यार, क्योंकि इसके पहले जैसे एक दुर्घटना हुई थी, ट्रैक्टर से एक बच्ची मर गई थी, इसके पहले दो बच्चे थे उनका भी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। इतना अक्सर आए दिन वहाँ, चूँकि वो बिजी एरिया है, वहाँ पर सब्जी मंडी भी लगती है, वहाँ पर बगल में नगर पंचायत का कार्यालय भी है और आपका ये स्कूल भी है रमेश कल्याणकारी, और उस जगह पे आपका कोतवाली है, और समस्या तो है ही है क्योंकि बिजी एरिया है, वहाँ पर मेन चीज़ें जो वाहन निकलते हैं उससे कोई ना कोई तो चोटी हो ही जाता है अक्सर, और गड्ढे भी रोड में काफ़ी हैं। नगर में आप देखें कि चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो दुर्घटना का शिकार तो हो ही जाती है पब्लिक। आप व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं, इस पर आपका सुझाव क्या है, क्या वहाँ? मेरा तो देखिए अपना सुझाव है कि जो लेबर हैं उनके लिए बैठने की, उनके लिए ठहरने की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो रोड पे न खड़े रहें। रोजी रोजगार के लिए वो बेचारे आते हैं और धक्के मुक्के भी खाते हैं, तो मेरा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनको बैठने की कोई समुचित व्यवस्था करवा दें ताकि वो रोड पे न खड़े।